आप एयरटेल स्ट्रीम फाइबर यूज़र हो, आपको दिक्कत आ रही है रेड लाइट। रेड लाइट का मतलब ये है कि आपका कनेक्शन लॉस हो चुका है, ठीक है गाइस। वो कैसे हो चुका है और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको 99% गारंटी देता हूँ कि आप इजीली अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो, ठीक है गाइस। और आपके जितने भी सवाल हैं उन सवालों के सारे जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले, तो वीडियो एंड तक पूरा देखना। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये ब्लैक राउटर कौन सा है, ये एयरटेल स्ट्रीम फाइबर ही है। अगर आप अपना राउटर चेंज करवाना चाहते हो तो मैंने आई बटन पे एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो जाके आप अपना राउटर चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेड लाइट आती क्यों है। इसका रीज़न ये है कि आपका जो वायर है वो टूट जाता है तो रेड लाइट आती है, या फिर टेक्निकल इश्यू होता है, कोई सर्विसेज कोई कार्य करता है आपके एरिया के अंदर तो रेड लाइट आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका वायर होता है ना वो वायर निकल जाता है या फिर कट हो जाता है आपके घर के अंदर ही, तो उसकी वजह से भी रेड लाइट आती है। तो पहला काम आप ये कर सकते हो कि आप अपना जो राउटर है उसमें जो पिन लगी हुई रहती है जो ग्रीन वाली येरी, इसको आप निकाल के फूक वगैरह मार के इसको वापस आप फिट कर देना, ठीक है। फिट करने के बाद आप उसको आप अपना पावर बटन जो है वो ऑफ करके ऑन कर देना, ठीक है गाइस। इसके बावजूद भी अगर ये ठीक नहीं होता है तो आप अपने घर के बाहर जाना, बाहर जाके आप वायर कनेक्शन देख लेना कि ये टूट तो नहीं गया है, ठीक है। अगर ये सब करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रेड लाइट नहीं जाती है, नेट नहीं चला पाते हो, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कंप्लेन करने के जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं इन फ्यूचर अगर आप एयरटेल स्ट्रीम फाइबर यूज़र है। सबसे पहला तरीका ये है कि आपका एयरटेल टाइम्स ऐप है, उससे आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो मैं आपको यही बताऊंगा आगे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, आपको कंप्लेन करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है, तभी आपका इंटरनेट यूज़ कर पाएगा अगर कोई बंदा सर्विस वाला आपके पास आएगा तो। तो कंप्लेन कैसे करना है मोबाइल से, और कॉलिंग से भी आप कंप्लेन कैसे कर सकते हो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। पहले आप ये जान लो, अगर आपने प्ले स्टोर पे से इसको इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ जाके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। एयरटेल टाइम्स ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त नंबर दिया था उस बंदे को, सर्विस वालों को जो नंबर रजिस्ट्रेशन करवाया था, वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। डाल के रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको ऊपर प्रोफाइल वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस माय सर्विस पे चले जाना है आपको, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर एयरटेल स्ट्रीम फाइबर दिख रहा है, DSL दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद देखिए गाइस आप यहाँ से ये भी जान सकते हो कि आपका इंटरनेट कब ख़त्म होने वाला है, देखिए यहाँ पे बता रहा है। फिर आपको कंप्लेंट करना है तो आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको गेट कंट्रोल विद मर वाईफाई वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर टैप करना है। ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पर आने के बाद गाइस आप ये भी जान सकते हो कि आपके वाईफाई से कितने लोग कनेक्टेड है। देखिए मेरा वाईफाई से 3 लोग कनेक्टेड है, ये बता रहा है यहाँ पे, आप ये भी जान सकते हो। आपको करना है कंप्लेन तो आपको गेट हेल्प वाला ऑप्शन दिख रहा है नीचे, इस पर टैप करना है, ठीक है। फिर आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आई एम नॉट एबल टू यूज़ इंटरनेट, यही हो रहा है आपके साथ, नेट नहीं चल रहा है, तो इस पर टैप कर देना। फिर क्लिक हियर पे टैप करना है, फिर ये चेक कर रहा है। देखिए अगर आपका मोडम ऑफ है तो आप उसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद गाइस आपको जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है मोडम इज ऑन, इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ गया टुडे टुमारो, इसका मतलब ये है कि आपको आज सर्विस चाहिए या कल, ठीक है। तो जैसे ही आप टुडे पे टैप करोगे सबमिट करोगे,
तीन या चार घंटे के अंदर आपके पास टेक्निकल टीम आ जाएगी, आप उनको अपना प्रॉब्लम बता देना, वो सोल्व कर लेंगे। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई इसका कोई चार्ज तो नहीं देना है, ये लाइफ टाइम फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना है इसका, ठीक है गाइस। और अगर वो बंदा आए तो आप उसको OTP प्रोवाइड मत करना जब तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाए, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है। वो टेक्निकल वाला 2 या 3 घंटे के अंदर आ जाएगा। अगर आपको कॉल करके कंप्लेन करना है तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है, ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, इस पर आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, तो आप सिंपली उस पर टैप करके कॉल कर लेना। कॉल करने के बाद आप कस्टमर केयर वालों से बात कर सकते हो, आप कॉलिंग पे भी आपकी कंप्लेंट रजिस्ट्रेट करवा सकते हो, ठीक है। देन गाइस, अगर आपका स्टेट का नाम यहाँ पे नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, आप गूगल क्रोम पे जाना, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी आपका स्टेट है या सिटी है, जैसे दिल्ली लिख सकता हूँ, दिल्ली एयरटेल कस्टमर केयर, ये देखिए ऊपर ही लिखा हुआ आ चुका कस्टमर केयर नंबर, इस पर टैप करना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों काफ़ी सारे नंबर आ चुके हैं, ये देखिए आप यहाँ से भी कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हो। वहाँ पर लिस्ट में आपका सिटी या स्टेट का नाम नहीं आ रहा है तो, ठीक है गाइस। और अगर आपको आपकी इंटरनेट स्पीड इंक्रीज करनी हो तो मैंने आई बटन पे एक वीडियो बना रखी है कि आप अपना एयरटेल स्ट्रीम फाइबर रीबूट कैसे कर सकते हो, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। और गाइस आप ये सब चीज़ें फॉलो कर लेना, जो आपकी रेड लाइट प्रॉब्लम है ये चली जाएगी, आप फिर इजीली इंटरनेट यूज़ कर पाओगे आफ्टर टेक सर्विस, ठीक है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।